मिली है। नमस्कार, मैं अरुण कुमार ओझा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो आइए यहाँ के ये जानकारी सर, आप ये बताइए एवं शासन के यहाँ उपस्थित इस गुरुकुल रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल के छात्र एवं छात्राओं को विशेष तौर से धन्यवाद देता हूँ कि पिछले 3 घंटों से भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीला को संजीदा करते हुए अपने जीवन में चित्रण आपको मंजित किया, आपको दिखाया। इस मौके पे मैं विशेष आकर्षण आपको करवाना चाहता हूँ कि स्कूल आज कदम कदम पे है, शिक्षा हर जगह मिल रही है। मैं शिक्षा का स्तर की बात नहीं करता हूँ, लोगों का अपना अपना स्तर है, अपना अपना स्थाय तरीका, लेकिन है कृपया शांति में। ये खास चीज है इस गुरुकुल का जो इन्होंने परंपरा शुरू किया है, शिक्षा के साथ संस्कार। शिक्षा हर जगह करने का मतलब है शिक्षा हर जगह मिल जाएगा, लेकिन संस्कार हर जगह नहीं मिल सकता है। और वो संस्कार आज देखने को मिला बच्चों के माध्यम से। आपके बच्चे के अंदर क्या संस्कार है आपने खुद देखा। मैं चकित हूँ, पालनपुर ग्राम विद्यालय का नेता हूँ, मैं चकित हूँ कि आज सुबह से ही बच्चे इतने उत्साहित है यहाँ अभिनय करने के लिए। कृष्ण के जीवन के जीवन में जो उन्होंने लीलाव किया अपने अंदर, उस अभिनव को उतार कर आपको दिखाने के लिए सुबह से ये उत्साहित है। और बिना रुके पिछले 3 घंटे से वो मंचन कर रहे हैं। तो ये संस्कार गुरुकुल जैसा विद्यालय दे सकता है, और इसके लिए मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ इस विद्यालय के प्रिंसिपल को। साथ ही
हमारे और आपके देखने में लगा कि 3 घंटे बच्चे अभिनय की है, लेकिन ये तैयारी, ये परिपक्वता, ये सांसिदगी और ये गंभीरता इनके अभिनय में, ये बताता है कि स्कूल के पूरे परिवार के लोगों ने पिछले कई दिनों से खून पसीना एक किया होगा, तब कहीं जाकर के 2.5 साल 3 साल के बच्चे इस तरह का अभिनय कर इस मंच पे आपके बीच उपस्थित हुए। वरना 3 माह के 3 साल के बच्चे ठीक से बोल ना पाए और वो आपके बीच मंचन कर रहे हैं, ये बड़ी खास बात है। तो मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा, करता हूं इस विद्यालय के पूरे परिवार को, शिक्षा परिवार को, शिक्षक परिवार को, कि वो बच्चों में संस्कार डाल रहे हैं। और मेरा आग्रह होगा कि आप सभी उपस्थित विद्यार्थी इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो, आप कहते हैं कि बच्चों को शिक्षा दीजिए। मैं मना नहीं करता हूँ, जहां आपको शिक्षा देना है दे, लेकिन बच्चों में वो संस्कृति और संस्कार भी दीजिए जिस विद्यालय, जिस गुरुकुल में, जिस जगह पे अगर केवल मात्र शिक्षा मिलता हो, वहां कतई नहीं, जहां शिक्षा के साथ संस्कार हो वहां बच्चों को डाले। तो मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि इस विद्यालय में शिक्षा के साथ संस्कार डाला जाता है, आप अपने बच्चों को लाइए। धन्यवाद। मैंने कहा कि मैं तुझे पूजा नहीं।